नमस्कार, मैं तनु जांगिड़ और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। IIMT विश्वविद्यालय को UGC ने दिया 12वीं का दर्जा, रिसर्च को मिलेगी गति। IIMT विश्वविद्यालय मेरिट के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। UGC ने IIMT विश्वविद्यालय को 12वीं का दर्जा दिया है। इससे विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों को काफी लाभ मिलेगा। 12वीं का दर्जा मिलने से UGC से विभिन्न योजनाओं, शोध परियोजनाओं, गोष्ठियों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं आदि के लिए वित्तीय सहायता मिल सकेगी। कुलपति डॉक्टर दीपा शर्मा के अनुसार 12वीं का दर्जा मिलने से IIMT विश्वविद्यालय अपने अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में समर्थ होगा और शोध कार्यों को गति मिलेगी। IIMT विश्वविद्यालय के कुलाधिपति योगेश मोहन जी गुप्ता ने कहा कि 12वीं का दर्जा मिलने से रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में विद्यार्थियों को नए अवसर प्राप्त होंगे। यूपी विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में 61 सीटों पर डाले गए वोट, डिप्टी सीएम समेत कई मंत्रियों की सीटें शामिल। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में 12 जिलों की 61 सीटों पर वोट डाले गए और इसी के साथ 692 उम्मीदवारों की किस्मत EVM में कैद हो गई। 5वें चरण में जिन जिलों में मतदान हुआ उसमें सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौसाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, अमेठी और रायबरेली शामिल हैं। 5वें चरण में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह, सिद्धार्थनाथ सिंह, नंद गोपाल नंदी, रमापति शास्त्री और चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय, अपना दल की नेता पल्लवी पटेल और पूर्व मंत्री संजय सिंह की सीटें शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से रूस को बाहर करने की तैयारी, अमेरिका बना रहा योजना। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद अमेरिका के नेतृत्व में दुनिया के कई देश रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर रहे हैं। इसी बीच अमेरिकी प्रतिनिधि सभा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से रूस को बाहर निकालने की तैयारी कर रही है। एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार इसके लिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा एक प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो यह रूस के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। वर्तमान में रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है और सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भी फिलहाल रूस के पास है। यूक्रेन सीमा के पास हजारों कमांडो तैनात करेगा नाटो, बढ़ेगी रूस की टेंशन। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद नाटो देशों ने रूस की घेरेबंदी करने के लिए बड़ी योजना बनाई है। नाटो अब यूक्रेन सीमा से लगते देशों में हजारों कमांडो तैनात करने जा रहा है। इन कमांडो में जमीन, हवा, समुद्र और विशेष अभियान में हिस्सा लेने वाले जवान शामिल होंगे। इसी के साथ ही यूक्रेन की सेना को हथियारों की सप्लाई और तेज की जाएगी। नाटो की ओर से यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम भी दिया जाएगा जिससे वह रूसी लड़ाकू विमानों को निशाना बना सके। फिलहाल पोलैंड यूक्रेन सीमा के पास नाटो की ओर से अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। यूक्रेन संकट के बीच भारत ने खरीदा सस्ता क्रूड, अप्रैल में होगी सप्लाई। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध से ब्रेंट क्रूड के दाम $104 प्रति बैरल के पार पहुंच गए हैं, लेकिन इस बीच भारत ने सस्ते दामों में क्रूड खरीदा है। समाचार एजेंसी रॉयटर के अनुसार इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने डिस्काउंट के साथ रूसी यूराल क्रूड खरीदा है। हालांकि ये डील किस रेट पर हुई इसका खुलासा नहीं किया गया। IOC ने यूरोपीय व्यापारियों विटोल और ट्रेफगुरा से 2 मिलियन बैरल यूराल क्रूड खरीदा है। इसकी सप्लाई अप्रैल में होगी। रूसी तेल पर यूरोप ने रोक लगा दी है जिससे यूराल क्रूड की कीमतों में गिरावट आई है। इसी बीच भारतीय रिफाइनरी नायरा एनर्जी ने भी अप्रैल के लिए 2 मिलियन बैरल यूराल क्रूड खरीदा है। ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट ने बढ़ाई चिंता, पहले की तुलना में ज्यादा संक्रामक। कोरोना महामारी का प्रकोप थमता नजर नहीं आ रहा। अभी ओमिक्रॉन से मामूली राहत मिली ही थी कि ओमिक्रॉन से ज्यादा खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन BA.2 ने चिंता और बढ़ा दी है। अफ्रीका सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के प्रमुख डॉक्टर जॉन निकिंगसोंग ने कहा कि BA.2 पहले के ओमिक्रॉन वेरिएंट BA.1 से अधिक संक्रामक है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रीप्रिंट से पता चला है कि BA.2 गंभीर संक्रमण पैदा कर रहा है। ये वायरस पिछले सभी वेरियंट की तुलना में अलग है। ये फेफड़ों के बजाय ऊपरी श्वसन पथ को निशाना बना रहा है। बॉलीवुड का भी रहा है यूक्रेन से रिश्ता, कई फिल्मों की हुई है शूटिंग। रूसी हमले के बाद यूक्रेन बड़े संकट से गुजर रहा है। इससे पहले हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक की कई बड़ी फिल्मों की शूटिंग के लिए यूक्रेन पसंदीदा देश रहा है। यूक्रेन की शानदार लोकेशन पर जिन बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हुई है उनमें रजनीकांत से लेकर आलिया भट्ट तक की फिल्मों के नाम आते हैं। RRR, विनर, Tiger 3 जैसी कई फिल्में यूक्रेन के खूबसूरत शहरों में शूट हुई हैं। अक्षय कुमार और रजनीकांत की फिल्म 2.0 का गाना यूक्रेन में शूट किया गया था। साई धर्म तेज और रकुल प्रीत सिंह की फिल्म की शूटिंग यूक्रेन में हुई थी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए न्यूज लाइव।